Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I'm your mentor Rambai Yadav. Learners, aaj hum book First Flight ka chapter 10, The Sermon at Banaras, start karne wale hai. Learners, start karne se pehle main iski brief summary aapke saath share karti hoon. Ye chapter aap do parts mein divide kar sakte hain. Jo first part hai, वो बायोग्राफिकल इन नेचर है, जिसमें प्रिंस सिद्धार्थ जो कि घर छोड़ने से पहले कैसे राजमहल में बड़ी लग्जीरियस रॉयल लाइफ जी रहे थे उसके बारे में है, और जब वो यहाँ पर थे उन्होंने कैसे लोगों की सफरिंग्स को देखा और उनका मन किया कि ये दुनिया मतलब दुखों से भरी हुई है, और फिर वो सुख की खोज में घर छोड़ के निकल जाते हैं. और जो दूसरा पार्ट है उसमें जब सिद्धार्थ को इनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं, उसके बाद वो जो टीचिंग्स हैं जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसकी जो टीचिंग्स है वो किसा गौतमी के साथ शेयर करते हैं, जिसके थ्रू वो वर्ल्ड में जो होने वाली ग्रीफ एंड सफरिंग्स हैं, जो दुख है उनका कारण क्या है, क्यों है, इसके बारे में सरमन देते हैं. सरमन का क्या मीनिंग होता है? सरमन मीन्स होता है उपदेश, आप कह सकते हो मॉरल डिस्कोर्स, जिसमें हम इस दुनिया के दुखों उनके कारणों आदि के बारे में संत महात्माओं से सुनते हैं, उसको सरमन कहते हैं. तो चलिए देखते हैं चैप्टर में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके. गौतम बुद्ध From 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. तो जो गौतम बुद्ध है उनका बर्थ होता है 563 BC. BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट. यानी जैसे अभी 2022 सेशन चल रहा है तो उसमें 563 ऐड करेंगे, यानी कि उनका बर्थ 2585 years ago हुआ था. और डेथ कब हुई थी? 483 BC. यानी अगर हम 2022 में 483 ऐड करेंगे तो 2505 ईयर्स एगो उनकी डेथ हुई है. तो अगर हम इसमें से डेट ऑफ बर्थ में से डेट ऑफ जब उनका डेथ हुई है तो माइनस करते तो इट विल बी अराउंड 80 ईयर्स. तो बुद्धा अराउंड 80 ईयर्स जीवित रहे. तो ही बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस. तो उनकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी? एज ए प्रिंस जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, ही वॉज बोर्न इन नॉर्दर्न इंडिया. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स एंड 4 ईयर्स लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. तो एट द एज ऑफ 12 गौतम बुद्धा को स्कूलिंग के लिए भेजा गया. तो उनकी स्कूलिंग में किस तरह की क्या पढ़ाई थी? इन द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर. सेक्रेट क्या होती है? होली. स्क्रिप्चर्स क्या होती है? रिलीजियस बुक्स. तो उनको हिंदू होली रिलीजियस बुक्स को पढ़ने के लिए स्कूलिंग के लिए भेजा गया. एंड 4 ईयर्स लेटर, तो उन्होंने 4 साल तक स्कूलिंग की एंड देन ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस. और उसके बाद वो घर वापस आए और उनकी शादी एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से कर दी गई. दे हैड ए सन, और शादी के बाद उनके एक बेटा हुआ. एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयलिटी. बिफिटेड मीन्स अप्रोप्रिएट, कि मीन्स जैसे कोई भी एक प्रिंस रहता है बिल्कुल रॉयल, बड़े ही शानो शौकत से, बड़े ही राजसी ठाट बाट से उन्होंने 10 साल गुजारे. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर टू फोर मीन्स बिफोर दैट टाइम शील्डेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. और 25 ईयर्स तक ये जो प्रिंस है सिद्धार्थ गौतम, उनको बिल्कुल शील्ड करके रखा गया, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा गया, कवर करके रखा गया. किस चीज़ से? फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कि उनको दुनिया की सफरिंग्स के बारे में, दुखों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया. अगर आपने गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ी होगी तो उसमें जब उनका बर्थ हुआ था तो उनके फादर को किसी ऋषि ने कहा था कि ये जो बच्चा है या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा ऋषि बनेगा. तो उनके पेरेंट्स ने उनको बिल्कुल भी दुखों के बारे में
बताया ही नहीं कि दुनिया में दुख नाम की भी कोई चीज होती है। इसीलिए वाइल आउट हंटिंग, तो एक बार हंटिंग करते हुए चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, कि बाई चांस ही मेट ए सिक मैन, एक बीमार आदमी से मिले, देन एन ओल्ड मैन, उसके बाद एक बूढ़े आदमी से, देन एन एजिड मैन, एजिड मीन्स एन ओल्ड मैन, देन आ फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद उन्होंने क्या देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है, जिसमें डेड बॉडी को शमशान वगैरह ले जाते हैं जलाने या दफनाने के लिए, एंड फाइनली अ मॉन्क, और उसके बाद उन्होंने एक मॉन्क, एक साधु को देखा, बैगिंग फॉर एम्स, कि जो कि रोटी कपड़ा खाना वगैरह मांगते रहते हैं। दी साइट सो मूव हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट, कि जो ये साइट्स थे, कौन से साइट्स थे, द साइट ऑफ अ सिक मैन, द साइट ऑफ एन एजेड मैन, एंड द फ्यूनरल प्रोसेशन एंड द मॉन्क। तो ये चारों साइट्स, ये इन्होंने उनको अंदर तक मूव कर दिया, हिला के रख दिया, यानी कि ही वॉज सो सो मच अफेक्टेड बाय दीज साइट्स दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस, कि वो एकदम से दुनिया में निकल पड़े, किस लिए निकल पड़े, टू सीक इनलाइटनमेंट, कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, टू गेट विजडम कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस, कि जो सोरोज, जो दुख उसने देखे थे, इनसे कंसर्न हो कि मतलब इनका कारण क्या है, ये सब जानने के लिए वो निकल पड़े। ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, और इस खोज में कि दुखों का कारण क्या है, ही वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स घूमते रहे, कितने साल तक, 7 ईयर्स, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और उसके बाद फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, वेयर ही वॉन्ट टू स्टे अंटिल इनलाइटनमेंट केम, और उन्होंने प्रण किया कि वो वहाँ तब तक बैठे रहेंगे, वॉन्ट मीन्स प्रण करना, किसी चीज़ की शपथ लेना, कि वो वहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनको इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट मीन्स विजडम, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इनलाइटन्ड आफ्टर 7 डेज, और जब वो तपस्या कर रहे थे तो 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। ही रीनेम द ट्री, और जिस ट्री के नीचे वो तपस्या कर रहे थे उसका रीनेम किया गया, क्या नाम दिया गया, द बोधि ट्री, उस ट्री को बोधि ट्री बोला गया, उसका मीनिंग होता है द ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने अब क्या करना स्टार्ट किया, कि जो उन्होंने लर्न किया उसको पढ़ाना, उनको दूसरों को सिखाना और शेयर करना स्टार्ट कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उस पॉइंट पे, उस समय उनको क्या कहा जाने लगा, बुद्धा। बुद्धा मीन्स क्या होता है, द अवेकन्ड और द इनलाइटन्ड, कि जो जागृत हो चुका है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, प्रीस्ट क्या होता है, उपदेश देना, और अब बुद्धा ने अपना जो फर्स्ट उपदेश था वो कहाँ पे दिया, एट द सिटी ऑफ बनारस। बनारस क्या है, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, कि रिवर गंगा के किनारे बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, जहाँ पे लोग पानी में डुबकी लगाते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट होली, सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व, और जो उन्होंने उपदेश दिया था, जो सरमन दिया था, वो अभी भी वहाँ प्रिजर्व किया गया है, एंड इज गिवन हेयर, और जो कि हमें आगे दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल मीन्स क्या होती है, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि जो सफरिंग है, जिसको हम, जिसका हमें पता ही नहीं है कि क्यों है, उसके बारे में बुद्धा की विजडम बताई गई, कि बुद्धा ने इसमें ये कारण बताया है कि सफरिंग क्या है, उसके रीजंस क्या है, उस पे उनका, बुद्धा का जो सोच है, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है सफरिंग के बारे में, वो शेयर किया गया है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं बुद्धा। सो लर्नर्स,
अब तक की जो हमने स्टोरी पढ़ी है वो गौतम बुद्धा की, जब तक वो बुद्धा नहीं बने थे तब तक की कहानी है, यानी कि जब तक वो प्रिंस सिद्धार्थ थे और कैसे वो बुद्धा बनने के लिए चले और फाइनली उनको कैसे इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, वो कहानी है। आगे उन्होंने जो ज्ञान लिया, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको कैसे शेयर करते हैं, लोगों में कैसे बांटते हैं, ये वाला पार्ट अब स्टार्ट होता है। सो किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। तो किसा गौतमी नाम की एक लेडी होती है जिसके सिर्फ एक ही बेटा है, एंड ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर, और वो अपने दुख में अपने जो मरे हुए बेटे की बॉडी को हर जगह सारे नेबर्स के यहाँ लेके जाती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवाई देने के लिए कहती है। एंड द पीपल सेड, लेकिन लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड, कि इसने तो मतलब अपनी सेंसेस खो दी है, यानी कि जो ये लेडी है किसा गौतमी, ये पागल हो गई है कि बच्चा मर गया है और फिर भी उसके लिए दवाई की मांग कर रही है, तो ऐसा लगता है ये पागल हो गई है। एट लेंथ मीन्स काफ़ी समय बाद, किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, कि वो फाइनली एक ऐसे इंसान से मिलती है जो उसके जो क्वेश्चन है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसको आंसर करते हैं, उसका जवाब देते हैं। आई कांट गिव दी मेडिसन फॉर दाई चाइल्ड। तो दी और दाई है, ये क्या है, आर्केइक वर्ड है। आर्केइक वर्ड्स क्या होते हैं, जो पुराने समय में जो इंग्लिश थी उसमें यूज होते थे, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होते। दाई की जगह क्या यूज होता है, यू, और दी की जगह यू और दाई की जगह योर। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मेडिसिन तो नहीं दे सकता, तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मुझे एक फिजिशियन, एक डॉक्टर, एक वैद्य का पता है जो ऐसा कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। द गर्ल, गर्ल कौन है यहाँ पे, किसा गौतमी कहती है कि सर प्लीज़ बताइए कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, और जो वो आदमी है वो उत्तर देता है कि साक्य मुनि से मिलिए। साक्य मुनि कौन है, बुद्ध है, यानी कि बुद्धा का नाम क्या था, साक्य मुनि था। ईसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। देखिए रिपेयर्ड, रिपेयर्ड आजकल जो हम यूज करते हैं वो दूसरी सेंस में यूज होता है, जहाँ पे ये रिपेयर्ड यहाँ पे वेंट टू की सेंस में यूज हुआ है, ये भी एक स्टाइलिश यूज है, स्टाइलिस्टिक यूज है, ठीक है। तो किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, तो अब किसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि मुझे ऐसी दवाई दे दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर देगी। द बुद्धा आंसर्ड, तो बुद्धा जवाब देते हैं, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए। मस्टर्ड क्या होती है, सरसों। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रक्योर इट, और जैसे ही वो लड़की खुशी से कहती कि वो अभी लेके इसको अभी प्रक्योर करेगी, अभी लेके आएगी, द बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो बुद्धा उसको कहते कि मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लाना है जिस घर में किसी बच्चे की डेथ ना हुई हो, किसी ने अपना हस्बैंड ना खोया हो, किसी ने पेरेंट या फ्रेंड ना खोया हो, यानी जिस घर में कोई डेथ ना हुई हो, ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लेके आने हैं। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पीटीड हर एंड सेड। तो बेचारी किसा गौतमी अब एक एक घर जाती है, सबके घर जाती है, और लोग उस पर दया करते हैं, पिटीड मीन्स दया दिखाते हैं, एंड सेड, और बोले हेयर इज मस्टर्ड सीड, कि मस्टर्ड सीड तो ये रहे, टेक इट, तुम ले जा सकते हैं। बट वेन शी आस्क डिड ए सन और ए डॉटर, अ फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली, लेकिन जैसे ही उसने पूछा कि आपके घर में किसी पुत्र, बेटी, पिता या मदर की डेथ हुई है, या किसी और तुम्हारी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, दी आंसर्ड हर, तो उन्होंने आंसर दिया, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, कि जो जिंदा है वो तो कम है लेकिन डेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसका क्या मीनिंग होता है, क्योंकि देखिए ये धरती सदियों से चलती आ रही है,
और यहाँ पे दुनिया, यहाँ पर लोग कितने दिनों से रह रहे हैं, तो जो जिंदा लोग हैं वो कितने कम हैं, और कितनी जनरेशन्स पास्ट हो चुकी, कितनी जनरेशन्स गुजर चुकी है, तो ऐसा लगता है कि जो मर चुके हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोज हु आर अलाइव। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, कि हमें अपने जो डीपेस्ट ग्रीफ है, जो हमारे बहुत ज़्यादा दुख की बात है, उसे याद मत दिलाओ। तो ये डीपेस्ट ग्रीफ क्या है, कि जो हमने अपनों को खोया है, जो हमारे जो एंसेस्टर्स जो जा चुके हैं यहाँ धरती से, उनकी याद मत दिलाओ। एंड देर वॉज नो हाउस बट सम बिलवर्ड वन हैड डाइड इन इट। तो लास्ट में कहीं पे कोई ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें किसी बिलवर, किसी यानी कि प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो, यानी कि हर घर में किसी ना किसी की डेथ हो चुकी होती है। ईसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस। अब इतना घूमते घूमते लास्ट में ईसा गौतमी बड़ी ही थक गई है, बड़ी होपलेस हो गई है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। अब वो रास्ते में एक साइड बैठ जाती हैं और जो लाइट्स होती हैं सिटी की वो देखने लगती है। ये उस समय की बात है, तब लाइट, ये आजकल वाली इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं होती थी, बल्कि जो मशाल से या दिए से लाइट्स जलाते थे वो लाइट्स जल रही होती थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो वो जो लाइट्स थी वो क्या थी, कभी फ्लिकर्ड अप मीन्स जैसे लाइट हिलती हैं, उसकी फ्लेम्स ऊपर जाती हैं और कभी नीचे आती है, इस तरह से हो रही थी। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर वो बुझ रही थी। तो यानी कि जो आग के लपटे थे कभी ऊपर नीचे हो रही थी हवा से, और कभी वो बुझ रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीन्ड एवरीवेयर। और लास्ट में जब सारी जो लाइट्स बुझ गई थी, मशाले बुझ गई थी, तो हर तरफ अंधेरा हो गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और तो इन लाइट्स को देख के किसा गौतमी ने ये सबक सीखा कि इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है, इंसान का भाग्य भी ऐसा ही होता है कि जो उनकी लाइफ है दैट फ्लिकर अप, कि जैसे फ्लेम्स की तरह ऊपर जाती है और फिर एक्सटिंग्विश हो जाती है, फिर बुझ जाती है। यानी जिंदगी भी ऐसी है कि वो जलती है और बुझ जाती है, इंसान जिंदा रहता है फिर मर जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ मीन्स अब वो अपने वो सोचती है, अपने आप में सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि डेथ सबके लिए कॉमन है, यानी डेथ सबको आनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, तो इसको आप इस सेंस में ले सकते हो कि पूरी जो दुनिया है ये दुखों का सागर है। इट इज़ अ वैली ऑफ, यू कैन से, पेन्स एंड सफरिंग्स। देर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टेलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, कि एक रास्ता है जो उसे अमरत्व की तरफ ले जाता है। इमोर्टेलिटी मीन्स जहाँ पे डेथ ना हो, अमर हो जाता है इंसान। और वो क्या है, जहाँ हम अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ देते हैं, यानी कि जहाँ हम अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ देंगे तो हम इमोर्टेलिटी की तरफ मूव कर जाएंगे, वी कैन बिकम इमोर्टल। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ। अब बुद्ध कहते हैं कि जो लाइफ ऑफ मोर्टल्स, मोर्टल्स क्या है, जो नश्वर प्राणी है, जो नश्वर जीव है यहाँ पे, तो वो सब की क्या है, ट्रबल्ड है, ब्रीफ है एंड कंबाइंड विद पेन। कि जो सभी लोग हैं, सभी जो इंसान है इस दुनिया पे, या सभी जो जीवित प्राणी है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो बड़ी छोटी है और दुखों से भरी हुई है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा मीन्स नहीं है जिससे जो भी पैदा हुआ है वो डेथ को अवॉइड कर सके। यानी कि डेथ आना तो निश्चित है, जो पैदा हुआ है वो निश्चित तौर पे एक दिन मरेगा। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ, और बुढ़ापा होने पर मृत्यु आती है, जो कि नेचुरल डेथ है, वो बुढ़ापे के बाद आती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और लिविंग बींग्स का यही नेचर है, यानी कि यही लॉ ऑफ नेचर है कि बुढ़ापे के बाद मृत्यु आती है। द राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पके हुए फ्रूट्स अगर पेड़ पे लगे हुए हैं तो वो पहले गिरते हैं। यानी कि राइप फ्रूट्स किसके सिंबल हो गए,
ओल्ड एज के। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो जो भी मोर्टल्स है, यानी कि जो पूरी दुनिया है, क्या है ये? मोर्टल है। व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, कि जब पैदा होते हैं तो अपने साथ डेंजर ऑफ डेथ हमेशा लेकर ही पैदा होते हैं, यानी कि जो पैदा हुए हैं उनको मरना है। ऑल आर अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोर्टर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे कि जो मिट्टी के बर्तन है उनका एंड में टूटना निश्चित है, कि पोर्टर जितने भी बर्तन बनाता है मिट्टी के वो टूटते हैं। इसी तरह जो भी पैदा हुए हैं जिंदगी में, ये समझ लीजिए कि उनका मरना निश्चित है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। कि जो भी, चाहे यंग हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे कोई फूल हो, चाहे कोई वाइज हो, चाहे कोई कोई भी हो, यानी कि सब क्या है, दे विल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, कि ये डेथ के सामने सबको सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि पावर ऑफ डेथ इतनी स्ट्रोंग है कि सबको मरना पड़ेगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबकी मौत आएगी। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ओवरकम बाई डेथ में जिनको डेथ ओवर पावर कर लेती है, यानी कि जब डेथ हावी हो जाती है तो जिंदगी छोड़ के जानी पड़ती है। अ फादर कैन नॉट सेव ही सन नोर किन्समैन देयर रिलेटिव रिलेशंस, कि एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता है और ना ही कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेम्बर्स अपने रिलेटिव्स को, अपने रिलेशंस को बचा सकते, यानी कि जब डेथ आती है तो वो किसी के बस में नहीं होती। मार्क, मार्क मीन्स इन वर्ड्स को मार्क कर लो, नोट कर लो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, कि जब रिलेटिव्स देख रहे होते हैं और बड़े ही दुखी होते हैं, बड़े सफ़र कर रहे होते हैं, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके ये मोर्टल जो हम नश्वर हैं, हम यहाँ से जाते रहते हैं, मौत हमें ले जाती रहती है। लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, कि जैसे एक ओक्स को आप स्लॉटर, स्लॉटर क्या होता है, कत्ल खाने में एक कसाई के यहाँ ले जाते हैं, इसी तरह लाइफ में भी इंसान एक एक करके मरता रहता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, एफ्लिक्टेड मीन्स इट इज अफेक्टेड बाई सफरिंग्स डिजीजेज एंड डिके। तो मतलब इस दुनिया में क्या है, सफरिंग है, पेन है, डेथ है, डिके है। देयर फोर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए मौत पे जो वाइज लोग होते हैं, जिनको आप कह सकते हो विजडम मिल चुकी होती है, वो दुखी नहीं होते। ग्रीव मीन्स पेन। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, कि उन्हें दुनिया की टर्म्स का पता है, उन्हें पता है दुनिया में ये सब कॉमन है, दिस हैपन्स इन लाइफ, इसलिए जो वाइज लोग हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि रोने या दुख मनाने से किसी को भी मन की शांति नहीं मिलती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके विपरीत, इसके उल्टे क्या होता है, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, कि उसकी जो दुख है वो बढ़ेगी और उसकी शरीर को भी उससे तंग होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, इससे वो क्या होगा, बीमार और पीला पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, और इसके बावजूद, यानी कि बीमार होने से, रोने से और दुख मनाने से क्या होगा, जो डेड है वो नहीं रुक पाएंगे, यानी उनकी तो मृत्यु होनी ही है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, कि जिसको शांति चाहिए उनको ये जो बाण है, लेमेंटेशन मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, कि दुखों के बाण है कंप्लेंट्स एंड ग्रीफ, कि जिसको शांति चाहिए उसको सोरो, कंप्लेन और ग्रीफ को बाहर दूर कर देना चाहिए, उनके जो बाण है उनसे दूर रहना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रोन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज, कि जिन्होंने ये जो बाण है इनको निकाल दिया, एरो यहाँ किसका, कौन सा एरो है, एरो ऑफ लेमेंटेशन कंप्लेन एंड ग्रीफ, और जिन्होंने इनको मन से बाहर निकाल दिया, ही हैज़ बिकम कंपोज, कंपोज मीन्स शांत, काम, वो शांत हो गया है। एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसको मन की शांति मिलेगी।
ही हु हैज ओवरकम ऑल द सोरो, कि जिसने अपने सारे दुखों पे ओवरकम कर लिया यानी सारे दुखों पे विजय प्राप्त कर ली है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, और वो अब दुखों से फ्री हो जाएगा, उसको दुख नहीं आएंगे। एंड बी ब्लेस्ड, और वो एक तरह से ब्लेस्ड पर्सन होगा, उसको एक तरह का वरदान होगा, वो दुखी नहीं रहेगा, उसको भगवान का आशीर्वाद रहेगा। तो लर्नर्स, इसके साथ ही ये चैप्टर ओवर होता है। हम थोड़ा सा इस चैप्टर का मैसेज क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर का मैसेज है कि द लाइफ इट इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, दे मे बी फिजिकल और मेंटल, और सबको ये आनी ही आनी है, फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग्स आनी ही आनी है। दे आर द इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। इनएविटेबल मीन्स इनसे बचा नहीं जा सकता, जिंदगी का ये अहम हिस्सा है, सुख और दुख, मेंटल एंड फिजिकल पेन्स एंड सफरिंग्स। तो अगर हमें इनसे ऊपर उठना है, हमें लगे कि हमें पेन और सफरिंग ना आए, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड शेड सेल्फिशनेस, कि हमें अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ना होगा। और उसके आगे, दुख मनाने से कभी भी जो मृत है या जो मरने वाला है उसको नहीं रोका जा सकता, यानी कि दुख मनाने से, कंप्लेन करने से कभी भी मौत नहीं रुकती है। हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है और हमारी बॉडी भी बीमार पड़ जाती है। तो सबसे बड़ा क्या कारण है, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सोरोज को ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि हमें अपने सोरोज को उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम एक ब्लेस्ड लाइफ जी सके। तो लर्नर्स, ये था मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।